जब कस्टडी में ले लिया पंजाब पुलिस ने, या जो भी लोग थे वो सफ़ेद कपड़ों में थे, दो तीन गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोग थे, तो उसके बाद उनके पिताजी ने एक FIR लॉन्च किया। FIR लॉन्च हुआ कि मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं, उसकी जान को खतरा है। हमने उसके लिए फ्लैश किया सबको कि भी ये व्यक्ति जहाँ भी हो तो देखा जाए कि इसकी कोई जान का खतरा ना हो, क्योंकि तजेंद्र बग्गा के पिता ने कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। जब फिर वो अपनी कस्टडी में, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया। कानून के अनुसार अगर कोई आदमी किडनैप हो जाता है तो पुलिस को सर्च वारंट इशू होता है कि आप जहाँ भी ये व्यक्ति मिले आप उसको ढूंढ कर कोर्ट में पेश करें। तो हमने वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके उसको अपनी कस्टडी में लेकर जाके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने उनको घर जाने के लिए परमिशन दे दी, वो घर चले गए हैं, उनको वहाँ सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने दी होगी। हमें पंजाब पुलिस ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी इस केस के गिरफ्तारी के बारे नहीं दी। गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग ने जाकर वहाँ बताया कि हम उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं, विच इज़ इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। वो प्लेन क्लोथ में थे, वो सारी बातें बाद में हमारे सामने आएंगी, पर हमारी तरफ से पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह कानून की खिलाफ वर्जी में थी। दिल्ली पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, पूर्णतः 101% कानून के अनुसार हमने कार्रवाई की है। जैसे जो सर्च वारंट दिल्ली से लिया गया अदालत से, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बग्गा पंजाब पुलिस का ही है। हमें देखिए, हमने, हमारे पास बग्गा के पिताजी ने FIR लॉन्च कराई कि कुछ लोग आए थे, अनजान लोग आए थे और मेरे बेटे को 5-7 मिनट में घर से पकड़ के ले गए, मेरी मार पिटाई की, मेरे साथ ही व्यवहार किया। उस FIR के बेस पे हमने दिल्ली पुलिस में एप्लीकेशन दी कि भी ऐसे करके उस बच्चे की किडनैपिंग का केस हुआ है, तो कोर्ट ने समन इशू कर दिया। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इरेगुलरिटी उनको लगता है तो दिल्ली के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो जाके दिल्ली की कोर्ट में एप्लीकेशन दे। यहाँ पर जो पटिशन कल हुई थी, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, कल की जो पटिशन थी वो सिर्फ ये थी कि हरियाणा पुलिस ने 4-5 पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कुरुक्षेत्रा में डिटेन किया हुआ है, उनको रिलीज़ किया जाए। इतनी सी बात थी, ना तजेंद्र बग्गे का उसमें कोई मेंशन था, ना दिल्ली पुलिस उसमें कोई पार्टी थी, ना उसकी अरेस्ट करने का कोई मामला था। अब ये उस एप्लीकेशन से आगे बढ़ा के कुछ भी आर्गू करना चाहें, वो कानूनी कार्रवाई है, कानून अपनी कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो एक FIR से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे। आज मैं उनको चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक नहीं 100 FIR करें, तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। जिन्होंने कहा था चुनाव के अंदर कि 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, हम वो सवाल पूछते रहेंगे, चाहे मेरे ऊपर एक नहीं 100 FIR करो। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला था, हमने उनसे माफ़ी की मांग की, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, जब तक वो उस बयान के लिए जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े नरसंहार, जो देश की आज़ादी में सबसे बड़ा एक हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको झूठा बोला, हम तब तक माफ़ी की मांग करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर एक नहीं 100 FIR हो। देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की डिटेंशन थी, अरेस्ट थी, वो इलीगल थी। एक कानून का नियम है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, MM के सामने पेश नहीं किया गया, मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं दिया गया। और जिस तरीके से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है उस तरीके से 40-50 पुलिसकर्मी दिल्ली आते हैं, 15-20 पुलिसकर्मी मेरे घर के अंदर घुसते हैं और मुझे लीगल तरीके से अरेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि इस तरीके की हरकतों से वो हमें डरा लेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की थी। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि वो मेडिकल की रिपोर्ट में भी आया, कई जगह उन्होंने मारपीट की, जब यहाँ पे मेरे को उठाने आए तो वो मेडिकल की रिपोर्ट में आया है और जज ने भी उसको, जो MM है, उन्होंने भी उसको देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ मारपीट की, तो जिस अरविंद केजरीवाल के आदेश पे मेरे पिता के साथ मारपीट की, हम उस अरविंद केजरीवाल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सत्ता से बाहर नहीं करते।